हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई आकाश, जो कि पूरा इंडिया टूर अपनी साइकिल से कर रहा हूं। और दोस्तों, वो खड़ी है मेरी साइकिल जिससे कि मैं पूरा इंडिया टूर कर रहा हूं। फिलहाल मैं अपनी साइकिल यहां पर खड़ी करके जा रहा हूं, ये एक म्यूनसिपल का जो ऑफिस है वहाँ पर। और दोस्तों, मैं इस टाइम हूँ शिव सागर आसाम में, जिसे अहोम डायनेस्टी का भाई गढ़ भी कहा जाता है। और अहोम डायनेस्टी क्या है, अहोम कौन है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को वॉच करना फुल। और अभी मैं एक 350 साल प्लस टेंपल के बाहर खड़ा हूँ, तो जल्दी से आपको दिखाता हूँ। इसका जो मेन गेट है वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं आसाम के शिव सागर में स्थित शिव मंदिर में। ये मंदिर आसाम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों, इसका नाम है शिव दौल। दौल का मतलब आसामिस में होता है मंदिर, तो इसका पूरा नाम हो गया शिव मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण अहोम साम्राज्य के जो राजा स्वर्गदेव थे, उनकी पत्नी अंबिका ने करवाया था सन 1734 ईसा में। ये मंदिर आसाम का सबसे ऊँचा मंदिर है। और ये जो पूरा मंदिर परिसर है, इसमें तीन मंदिर हैं, जो कि आपका भोलेनाथ का मंदिर है, साथ ही माता का मंदिर है, और एक मंदिर है विष्णु भगवान का, और एक संग्रहालय भी है इसमें। तो दोस्तों, मैंने अंदर दर्शन कर लिए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन और पुराना मंदिर है, तो दर्शन मैंने तो कर लिए, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकता। लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो चलिए, ये महाराज जी हैं जो कि यहाँ पे आपका पूजा पाठ करते हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे दिखाएंगे। भाई, सौभाग्य मेरा कि मैं इतनी दूर आया हूँ और मुझे भाई दर्शन करने को मिले। मंदिर को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना प्राचीन होगा। बाकी मैं इसको आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, कौन सा सन में ये बना है, कब बना है। ये पत्थर देखिए, ये है यहाँ का गर्भगृह। भगवानी कामाख्या, ये जो है ना, ये एक्शन आसाम में अहम जो राज किया था, अहम ने कहा उसने अहम जो राज किया था, उसके लोग राजा था शिव सिंह राजा को राज श्री सत्रों को जो निकाला था, इसीलिए सेकेंड हुआ अंबिका को रानी बने, अंबिका को छुट्टी रहा, पटी रहा, शिव भक्त रहा, रानी भक्त द्वितीय में सत्र में शिव जी को मिला। आपका हिमालय पर्वत देखो, वैसे कि पूरा कमीशन है, यहाँ भी जो अनुसार जो है इसी तरह तालाब का चला है, तालाब में बड़ा सागर होता है, इसी पर सागर शिक्षा का किसी का नाम हुआ है। और जो त्रिगुण का जो देखा है ना, बाबोडी का पीछे जगह का पीछे है, उसके अंदर खाली रूप है वही शिवलिंग है। शिव शक्ति जो है एक साथ में है, शिव बाबोडी जहाँ शक्ति का है शिविर है, जहाँ शिविर है शक्ति है, शक्ति मेरा शिव होता है, शिविर शक्ति है। अभी मैं नंगा में ईश्वर उत्साह बाबा मुक्तिनाथ है, बाहर में केदारनाथ है ना, ये लेकर मुक्तिनाथ बाबा उनका जो होना मतलब मुक्तिनाथ, ये शिव चला बड़ा शिव सागर स्थिति का नाम है। ये सब बाहर नाटक सपना के परिचय के लिए, ये दिशा है स्वयं वो है स्वयं मुक्ति नाम क्या आकाश मुनता शिवाय प्रणाम को लीजिए, प्रणाम को शिवाय विष्णु विष्णु के रूप अनाथ शंकर को हिंदी मुद्रा हर स्तर प्रणाम करी भगवान की जो उठना आनंद वर क्या नम शिवाय नम हो गया हाल विष्णु प्रणाम कर लो। अब क्या करता है, मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं
वैसे पढ़ाई 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 हिमालय सोशल मीडिया बुद्धि सब के पहले फॉर्म कर लूँ थोड़ा आज ये पास में हाँ समझा हाँ वो दोस्तों मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं यार। मैंने होप भी नहीं करी थी कि मैं तो दर्शन करके पहले भी आ गया था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं कैमरा वगैरह अंदर कभी भी नहीं ले जाता हूँ ऐसे जो भी मंदिर वगैरह में जाता हूँ, और कई जगह ऐसा होता है कि ले जाने भी नहीं देते हैं, और जहाँ पर ले जाने देते मैं खुद भी नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे भी ठीक नहीं लगता कहीं ना कहीं। बट पंडित जी ने बोला कि आओ चलो आपको दिखा ही देते हैं, आप अपनी पब्लिक को भी दिखा देना। तो भाई रियली यार मज़ा आ गया। मतलब ये 350 साल पुराना मंदिर, आज इतने पुराने मंदिर में तो मैंने पहली बार मतलब कैमरा लेकर गया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 3 मंदिर हैं, जो कि हमारा एक भोलेनाथ का है, और जो ये मंदिर है आप देख रहे होंगे ये है माता का मंदिर, और इसके पीछे साइड वो छोटा सा गुंबद जो दिख रहा है वहाँ पे है विष्णु भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे विष्णु भगवान, शिव भगवान और यहाँ पे माता का मंदिर है। तो हम पहले माता के मंदिर में चलते हैं। सबसे पहले हमने भोलेनाथ का मंदिर जो है वो सामने पे है, तो सबसे पहले हमने वहाँ पे दर्शन किए, अब माता के दर्शन करते हैं, और उसके बाद में मेरी साइकिल एक बार देख लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ लिखा है, इस मंदिर का निर्माण जो है राजा शिव सिंह ने करवाया था, उस टाइप से, मतलब जो मैंने आपको बताया है कि ये 1714 से 1744 के बीच में बना था, जो कि राजा की जो रानी थी अंबिका देवी उन्होंने इसको बनवाया था। यही है माता का मंदिर, और अंदर है मंदिर, तो ये कुछ लोग यहाँ पे मतलब जो धागा वगैरह बेचते हैं वो यहाँ पे हैं। और 3 मंदिर है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कुछ इस तरीके का चबूतरा है अंदर, भाई माता इसमें विराजमान है। तो चलिए अब हम चलते हैं कोई दूसरे टेम्पल की तरफ। सो राम राम दोस्तों, अब चलते हैं हम विष्णु भगवान के मंदिर में, क्योंकि हम 2 मंदिर तो ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये भोलेनाथ का मंदिर, और जो दूसरा मंदिर है वो है माता जी का मंदिर, यानी कि शिव एंड शक्ति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें बनी हुई जो मूर्ति है ना वो ऐसी हो चुकी है कि ये देखिए ये मिटने लगी है, मतलब एकदम सपाट हो गई है। यहाँ पर जैसे कि चेहरा बनाया होगा और भी जो घोड़ा या फिर जो भी है शेर बनाया होगा, बट सारा का सारा मिटने लग गया भाई, इतना ज़्यादा ओल्ड मंदिर है। और मैं सच में यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ यार, मैं घूम पा रहा हूँ, वो भी इतने प्राचीन मंदिरों में यार, 3,000, 3,500, 4,000 पुराने मंदिर में भी गया हूँ यार मैं। 4,000 साल पुराना जो टेम्पल था उस टेम्पल में मैं पूरे 7 दिन रुका हूँ, उस मंदिर में रुका हूँ, और जनवरी के टाइम पर मैंने वहाँ पे रोज़ सुबह मॉर्निंग में भाई नहा के पूजा करता था। तो ये है कुछ विष्णु भगवान का टेम्पल, तो यहाँ भी चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए विष्णु भगवान के मंदिर में, और ये है कुछ टेम्पल, यहाँ पे भी सेम वही लिखा हुआ है कि जो शिव सागर तालाब है उसके दक्षिण किनारे पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, एंड गर्भगृह अंतराल और मंडप इसके मुख्य भाग हैं। तो गर्भगृह में हमारे विष्णु भगवान विराजमान है। तो चलिए चलते हैं, और सबसे पहले हम उतारेंगे अपने जूते। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी यहाँ पे जो अहम डायनेस्टी का जो पूरा का पूरा जो राजकाज महल से लेके वो सब कुछ यहीं पे था, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अंदर मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकता, पहले मैं खुद जाऊँगा फिर आप अंदर दर्शन कर लिए हैं, और वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर और साथ ही प्राचीन मंदिर है। किसी को भी प्रसाद मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारे भाई को प्रसाद हर मंदिर में मिलता है, किसी में नारियल मिलता है, किसी में सेब मिलते हैं, और यहाँ पर हमें मिले हैं केले, जो कि ऑलरेडी मेरे पास करीब 1 दर्जन केले रखे हैं, बट कोई बात नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा अनमोल है, कहीं ना कहीं ये प्रसाद के हैं जो कि भगवान के चरणों में रखे हुए थे, तो इनको मैं अभी रख लेता हूँ, बाद में खाऊँगा। और भाई शाम होने वाली है, मुझे अपने रहने का भी इंतज़ाम कहीं ना कहीं करना है, तो हम जूते वगैरह पहनते हैं। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको एक सागर, जिसकी वजह से इस शहर का नाम भाई शिव सागर है। यही है दोस्तों वो सागर, और देख रहे हो कितना बड़ा है,
इसको यहाँ पे कुछ टैंक करके भी कहते हैं। तो यही है वो शिव सागर, और ये भी आपका मंदिर के साथ ही बना था। इसका निर्माण भी भाई स्टार्ट हुआ था 1714 में। तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं और कहीं ढूंढते हैं भाई अपने रहने का। ओ मेरे भाई, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अब रात होने वाली है और मेरे पास रहने की अभी कोई जगह नहीं है, इसलिए अब भोलेनाथ जी को, माता जी को और विष्णु भगवान को हम प्रणाम करके चलते हैं भाई। ये 310 साल पुराना मंदिर है, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हम टेंपल घूम के आ गए हैं, यही है टेंपल, और हमारी मुलाकात एक सर से हुई थी जो कि सर भाई महाराष्ट्र से आए थे और सर अपना फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे यहाँ पे कैमरा से, और मुझसे मिलके वो खुश हो गए और उनसे मिलके मैं खुश हो गया, और मुझसे बोल रहे थे कि भाई इतनी दूर से कैसे आप साइकिल से आ गए, मतलब किसी के यकीन ही नहीं होता भाई, क्या करूँ यार लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं उत्तराखंड से हूँ यार। ऐसा होता है ना कभी कभी, ऐसा लगता है भाई ये लोग मानते क्यों नहीं है मेरी बात को, झूठ क्यों मान रहे। ओ भाई मेरी साइकिल लावारिस की तरह ऐसी पड़ी होगी यार, कोई लेना गया हो मेरी साइकिल। तिरंगा है मतलब मेरी साइकिल, भाई साइकिल मैंने अपनी ले ली है, और इस अंधेरे में भाई मेरी साइकिल इधर खड़ी थी बिल्कुल लावारिस की तरह। यही है भाई हमारी साइकिल, ये है टेंपल, और अब चलते हैं यार यहाँ से, इधर कहीं ढूंढना पड़ेगा रहने का। तो फाइनली दोस्तों मेरे रहने की जगह एक जगह हो गई है जो कि एक मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। तो आज मैं वहीं पर स्टे करने वाला हूँ, यानी कि मैं अभी वहीं पर हूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया आपने देखा होगा, और आपको मैंने 310 साल पुराना मंदिर दिखाया है भोलेनाथ का, साथ ही माता का मंदिर था और विष्णु भगवान का मंदिर था। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, कुछ भी लिख देना यार, अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा मोटिवेट फील होता है, इतनी दूर घर से हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या हुआ, लोग वीडियो देखते हैं कुछ बोलते क्यों नहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एडिट करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।